बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुद नजरात मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं एक्सपोज वर्ल्ड सेगमेंट वंडर वर्ल्ड। नाजरीन, इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं, हमारे ऊपर सूरज अपनी पूरी तमाज़त से चमक रहा है। नीले आसमां के नीचे हजारों रंग दश्ते जिंदगी में एक समा पैदा किए हुए हैं। हमें लग रहा है कि जमीन से आसमां तक, सूरज ढले तक ये रंगीनी और नीली दुनिया कायम रहेगी। लेकिन शायद आपको ये सुनकर हैरत हो कि हमारी जमीन से महज 50 किलोमीटर की बुलंदी पर तारीख रात बरपा है। एक ऐसी रात जहां कभी सुबह नहीं होती, जहां सूरज भी बेनूर सितारे की मानिंद चमकता है। ये खला की सर्द रात है जहां से आगे लामहदूद खला शुरू होता है और वो रोशन आसमां जिसे हम जानते हैं वो कहीं गुम हो जाता है। रात आप में से अक्सर अहबाब ये सोचते होंगे कि क्या आसमां का रंग वाकई नीला है, क्या आसमां यही है जो हमें नजर आता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग जब तालीम पूरी करके खलाई साइंटिस्ट बनते हैं तो उन्हें हमारे ऊपर फैली तहद निगाह नीली चादर की असल हकीकत का इल्म होता है। उन्हें इस बात का भी इल्म हो जाता है कि आसमां किसी अनदेखी छत का नाम है। खुदनुजरात हमारे ऊपर तहद निगाह फैला नीला रंग आसमां का रंग नहीं है और ना ही ये आसमान है, बल्कि ये हमारी फजा का रंग है जिसके पार अंधेरे में डूबी कायनात मौजूद है, जिसे रोशन रखने के लिए अरबों सूरज हर रोज अपना वजूद जलाते हैं। फिर भी वो अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक सितारे से ज्यादा नहीं चमक पाते, क्योंकि कायनात वसी ही इतनी ज्यादा है, जबकि एक हमारा सूरज है जो बहुत बूढ़ा और दूसरे सूरजों की बनिस्बत बहुत छोटा है। लेकिन फिर भी इसकी रोशनी बहुत ही बाकमाल है। आखिर कैसे? खुदनुजरात अक्सर जब आप कोई चमकीला कागज जलाते हैं या किसी दांत को आग दिखाते हैं तो उसके अंदर से कई तरह के शोले निकलते हैं, जो इस बात की दलील होते हैं कि जलने वाली चीज के अंदर बहुत सारे कीमियाई मादे मौजूद हैं जो रंग पैदा कर रहे हैं। नाजरीन, बिल्कुल इसी तरह सूरज भी हजारों गैसों का मजमुआ है जिनके जलने से रोशनी की एक अजीम लहर पैदा होती है। जब ये लहर खला में सफर करती है तो इसका रंग सफेद होता है। इस सफेद रंग के अंदर बहुत सारे खूबसूरत रंग छुपे होते हैं। यूं समझ लें, कुदरत एक गिफ्ट सफेद रंग में पैक करके हमारी तरफ भेजती है जो खला की तारीखियों में सफर करता हुआ आगे बढ़ता है। इस दौरान जब सूरज की रोशनी रास्ते में आने वाले पत्थरों और छोटे सियारों पर पड़ती है तो ये बिल्कुल ऐसे होती है जैसे अंधेरी रात में कोई दिया जलाकर देखे, और उस रोशनी में ना तो कोई रंग होता है और ना ही कोई चाशनी, बल्कि तहद निगाह फैली रात में यही लगता है जैसे ऊपर बैठा कोई पहरेदार टॉर्च रोशन करके घूर रहा है और आप बेमंजिल मुसाफिर की तरह तारीख खला में खुद पर पड़ती अजीबो गरीब रोशनी को देख रहे हैं। खुदनुजरात, जब सूरज की सफेद रोशनी जमीन के एटमॉस्फेयर से टकराती है तो यहाँ एक निजाम उसका मुंतजर होता है जो उस रोशनी को असल शक्लो सूरत देता है। खुदनुजरात, आपने प्रिज्म तो देखा होगा जो गुम्बद नमा शीशा होता है। इस शीशे की क्वालिटी ये है कि जब आप इसके अंदर से रोशनी गुजारते हैं तो दूसरी तरफ सात रंगों पर मुश्तमल रोशन लहरें पहुंचती हैं, क्योंकि इस शीशे के अंदर रोशनी के बारीक जर्रों को अलग से तरतीब देने की सलाहियत होती है। नाजरीन, यही अमल सूरज की उस खाम रोशनी के साथ होता है। जब वो खला से हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो हमारी सात कुदरती तहों में से आखिरी दो तहें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर उस रोशनी के लिए प्रिज्म का किरदार अदा करती हैं, क्योंकि इन तहों में बारीक बारीक रंगदार जर्रे तैर रहे होते हैं जो जमीन पर कुदरती गैसों मसलन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह से जन्म लेते हैं। ये जर्रे जब सूरज की रोशनी को मौसूल करते हैं तो उस रोशनी में छुपे रंगों को खोल देते हैं। व्हाइट रंग कहीं दूर चला जाता है, बल्कि उस रोशनी के अंदर जो रंग छुपे होते हैं कुदरती तौर पर उनको खोल दिया जाता है। यानी ये तहें प्रिज्म का किरदार अदा करती हैं। इस काम में होता कुछ यूं है कि सूरज की रोशनी में जितने भी रंग होते हैं वो जमीन के एटमोस्फेयर में तैरते कलरदार रंगों से मिलाप कर देते हैं। फिर जो रंग गालिब हो, यानी फजा में तैरते छोटे छोटे जर्रे जो गालिब हो, जो ज्यादा हो, उस रंग की फजा बन जाती है। जैसे हमारी फजा नीली है क्योंकि हमारी जमीन पर पानी की वजह से बुखारात जन्म लेते हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन भी कसीर तादाद में पैदा होती है। यही वजह है कि हमारी फजा में नीले जरात की बहुतात है जो सूरज की रोशनी से नीला रंग अलग करके एक फजा बनाते हैं जिसे हम फलक कहते हैं। अगर हम दीगर सियारों के आसमां के बारे में जाने तो बहुत सारे सियारे ऐसे हैं जिन पर फजा नाम की कोई चीज नहीं है, लिहाजा वहां भले ही कितने सूर्य चमकते हों वहां की धरती बेनूर होगी।
जिसके ऊपर तहद्दे निगाह फैली रात का मंजर होगा, जबकि जिन सियारों पर गैसें हैं वहां का आसमां उन गैसों की तासीर के मुताबिक नीला पीला सुर्ख या नारजी जरूर होगा। खुदनुजरात ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर जहां दर्जा हरारत को कंट्रोल करती हैं, बारिश इनकी वजह से होती है, हमारे ऊपर नीली छत इन्हीं की बदौलत है। इन तहों को खुदा ने कुछ इस तरह बनाया है कि जब सूरज इनके रूबरू होता है तो उसे भी हुसन मिल जाता है। वो सूरज जो खला में बेनूर सा नजर आता है, आप उसकी आंखों में आंखें डाल सकते हैं। जैसे ही आप इन कुदरती तहों के अंदर से सूरज को देखेंगे तो उसकी चमक और रूप तुम्हारी आंखें चंदिया देगा। इन्हीं तहों की बदौलत जहां फजा का रंग नीला है, वहीं जमीन पर हजारों रंगों का हुसन भी इन्हीं की वजह से है। आप किसी भी रंग को इन तहों से बाहर ले जाएं, वो ज्यादा पुरकशिश नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इन्हीं ये जमीन की दो तहें ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर मियसर आती हैं, वो रंग खिल उठते हैं। खुदनुजरात बहुत सारे साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि आसमान का रंग नीला नहीं है बल्कि सुर्खी माइल है। ये तो हमारी नजर का कमाल है जो हमें नीला दिखाती है, लेकिन खुदनुजरात ये एक बहस तलब मौजू है, हम इस पर बात नहीं करेंगे। नजरिन आखिरी और दिलचस्प बात अर्ज है कि 1923 में स्कॉटलैंड के एक शहरी जोहन जान बेर्ड ने एक नजरिया पेश किया कि हमारे इर्द गिर्द और ऊपर फिजा में बेशुमार रंगदार जर्रे तैर रहे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक पावर देकर उनके जरिए तस्वीर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकल किया जा सकता है। फिर उसने 1925 में टीवी ईजाद करके अपने इस नजरिए को सच कर दिखाया। याद रहे टीवी दुनिया की वाहद ईजाद है जो एक वक्त में दो जगह ईजाद हुआ, स्कॉटलैंड में और जर्मनी में। नाजरीन आज भी सैटेलाइट अमेरिका में होने वाले शो को जब नशर करते हैं तो तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक पावर लिए इन फजाई जर्रों में शामिल हो जाती है जो बजाहिर इस कदर बेरंग होते हैं कि एक लाख जर्रा हो तो भी हमें अपने सामने किसी रंग या धुंध का एहसास नहीं होगा। यही वजह है कि हमें दूर तक मशरक और मगरब में मैदान और सब्जा साफ नजर आता है। ये जर्रे सैटेलाइट तस्वीर को लिए पूरी दुनिया में सफर करते हैं। अलबत्ता सैटेलाइट इन्हें लेजर प्रोजेक्टर की तरह गाइड करता है। जैसे ही ये सैटेलाइट के हदूद से निकलते हैं इनके अंदर मौजूद तस्वीर खत्म हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज ढले रात बर्पा होती है। लेकिन अगर सैटेलाइट एरिया में कोई टीवी सेट मौजूद है तो सैटेलाइट लेजर वेव इन जर्रों का इस्तेमाल करके टीवी तक अपना डेटा पहुंचाते हैं जिसे दोबारा तस्वीर की शक्ल में रिकवर कर लिया जाता है। यूं हमारा तमाम मुवासलाती निज़ाम इन फजाई जर्रों पर मुश्तमिल है जो हमारे लिए नीला आसमां भी बनाते हैं, जो हमारी जिंदगी को भी खूबसूरत बनाते हैं, जिनके साथ बिताए लम्हे सूरज को भी हुसन बख्शते हैं। दूर पार किसी शब के पहलू में खिलती मासूम कली भी इनसे मिलकर जीनते चमन बनती है और कारवानी जिंदगी कायनात की तारीखियों से बेखबर रोशन मंजरों की तरफ बढ़ता चला जाता है। सुखबत ये थी हमारे चैनल सेगमेंट वंडर वर्ल्ड की दिलचस्प और हैरत अंगेज रिपोर्ट। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारी वीडियोस को किसी वेबसाइट या व्हाट्सएप के जरिए देख रहे हैं तो अभी यूट्यूब पर एक्सपोज वर्ल्ड सर्च कीजिए और देखिए हमारी बहुत सारी ऐसी दिलचस्प और तहकीकी वीडियोस। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना मत भूलिए क्योंकि हमारे लिए ये आपकी मोहब्बत का सबूत है। सुखवत रात अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।